अवैध गांजा तस्करी की रोकथाम में सोमनी थाना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 76 किलोग्राम गांजे के साथ दो आरोपी सहित कार को किया जब्त। घेराबंदी कर पुलिस ने की कार्यवाही। मुखबिर की सूचना पर गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, राजनांदगांव के सोमनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोमनी पुलिस ने कार में गांजे की अवैध तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 76 किलोग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया है। सोमनी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक नीली रंग की कार से दो अज्ञात व्यक्ति अवैध रूप से गांजा का परिवहन करते हुए रायपुर से सोमनी होते हुए बालाघाट मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर सोमनी थाना पुलिस ने टेडेसरा चौक नेशनल हाईवे मेन रोड में नाकाबंदी कर दो आरोपियों को 76 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपी गोरेला पेंड्रा रोड के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अवैध तस्करी से गांजे की तस्करी की जाए। इनके द्वारा 16 पैकेटों में अलग अलग कर गांजे को रख कर कार में तस्करी की जा रही थी। वहीं इस अवैध गांजे की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अवैध गांजे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। रायपुर से एक अर्टिका करके गाड़ी आ रही है, नेवी ब्लू कलर की, जिसमें गांजा होने की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जो सोमनी होते हुए बालाघाट जाने वाली थी। तो पुलिस ने नाकाबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ा है। उसमें से लगभग 76 केजी, 80 केजी के आसपास उसमें गांजा था, जो लगभग 6 लाख के आसपास होगा। तो पुलिस ने अपनी मुखबिरी की सूचना के आधार पर और चारों तरफ चौक चबंद व्यवस्था लगा के उन्हें गिरफ्तार किया और रिमांड पे भेजा।